हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर्स, आज हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा के। 50 क्वेश्चंस को बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मेंशन किया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइलम ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। तो इनके एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपोड, उनको आर्थ्रोपोड्स के नाम से जानते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स का जो जो फाइलम होता है उसको क्या है, आंथ्रस के क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोड्स को क्या है, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं कौन, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद में व्हाट इज़ द आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स हमारे क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ द इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दैट हैव द जॉइंट अपेंडिसेस एंड द इसके क्या है, एक्सोस्केलेटन्स पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन्स मीन्स क्या है, इनके जो ऊपर क्या होते हैं, काइटिन का बना हुआ इनके क्या है कवरिंग होती है, उसको एक्सोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है, जॉइंट अपेंडिसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जॉइंट अपेंडिसेस और इसकी वजह से एक्सोस्केलेटन सिस्टम, ये फेमस इसके पिक्यूलर पिक्यूलियर करेक्टर होता है आर्थ्रोपोड्स का। ठीक, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, व्हाट इज़ द एक्सकेलेटन मेड ऑफ। तो हमारा क्या है, जो क्या है, व्हाट इज़ द एक्सकेलेटन मेड ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जो एक्सकेलेटन होता है किसका बना हुआ होता है। तो हमारा हमने अभी डिस्कस किया था, तो एक्सकेलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स मेड अप ऑफ द काइटिन, तो काइटिन का बना हुआ होता है। लेकिन साथ ही काइटिन का मुझे फार्मूला कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, काइटिन का फार्मूला क्या होता है। इसके व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स का, लार्जेस्ट ग्रुप हमारा कौन सा होता है, इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स का, इंसेक्ट हमारा क्या है लार्जेस्ट ग्रुप है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्थ्रोपोड्स है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स का, स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है। तो इसमें हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या, अच्छा, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, यानी आर्थ्रोपोड्स का स्मॉलेस्ट ग्रुप हमारा कौन सा है। तो उसमें क्या है, हॉर्सशू क्रैब्स आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, यानी आर्थ्रोपोड्स का सबसे यानी छोटा जंतु एनिमल कौन सा है। तो हमारा हॉर्सशू क्रैब्स इसमें आ जाता है, ये हमारा क्या स्मॉलेस्ट हमारा क्या एनिमल्स है ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, इसके बाद हम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंटीना इन द आर्थ्रोपोड्स, यानी एंटीना होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, एंटीना इज़ द सेंसरी ऑर्गन्स यूज फॉर टच टेस्ट एंड स्मेल के, हमारे क्या है यूज़ किए जाते हैं, मीन्स टच के लिए यूज़ किए जाते हैं, टेस्ट के यूज़ किए जाते हैं और हमारे स्मेल के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या चीज़, एंटीना। तो व्हाट इज़ द, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टू मेन बॉडी पार्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, यानी आर्थ्रोपोड्स के जो मेन पार्ट्स बॉडी के क्या है। तो इसके क्या है आंसर, क्या हेड एंड थॉरेक्स में क्या, आर्थ्रोपोड्स के मेनली जो पार्ट्स बॉडी में जो प्लान इनका सेगमेंटेड होते हैं वो क्या होते हैं, हेड में डिवाइड होते हैं और थॉरेक्स में इसके डिवाइड होते हैं आर्थ्रोपोड्स। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आर्थ्रोपोड्स है वो हमारा क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द थॉरेक्स आर्थ्रोपोड्स, यानी जो आर्थ्रोपोड्स के थॉरेक्स का क्या फंक्शन होता है। तो थॉरेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इज़ द लेग्स एंड विंग्स आर अटैच्ड, यानी इसके पूछा जाए तो विंग्स और लेग्स का जो अटैचमेंट कौन किस पार्ट से होता है, तो हमारा क्या है थॉरेक्स होता है। थॉरेक्स हमारे क्या है, एक बॉडी पार्ट्स है आर्थ्रोपोड्स का। ठीक है, इसके बाद हाउ मैनी लेग्स आर्थ्रोपोड्स हैव, आर्थ्रोपोड्स में कितने लेग्स होते हैं। तो मोस्ट आर्थ्रोपोड्स हैव द सिक्स लेग्स होते हैं, इसलिए हेक्सापोडा के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मैंडिविल्स इन आर्थ्रोपोड्स। तो ये मैंडिविल्स का फंक्शन क्या होता है आर्थ्रोपोड्स में, वो हमारा क्या है, तो मैंडिविल्स आर यूज फॉर द बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड, यानी फूड को क्या चबाते हैं और उसको क्या है काटते हैं और चबाते हैं, क्या चीज, मैंडिविल्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है आर्थ्रोपोड्स को, वो हमारा क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मैक्सिली इन आर्थ्रोपोड्स, यानी आर्थ्रोपोड्स के मैक्सिली का क्या फंक्शन है। मैक्सिली आर यूज्ड फॉर द होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ द फूड, यानी उसको फूड को क्या, उसको क्या है खाना होता है उसको पकड़ के रखती है और उसको क्या है मैनिपुलेटिंग ऑफ द फूड को करती है कौन, मैक्सिली। ठीक, व्हाट इज द फंक्शन इज चेलीसिरी इन द आर्थ्रोपोड, यानी चेलीसिरीज होती हैं, चेलीसिरेटा एक ग्रुप होता है, इसमें इसका जो क्लास होता है उस क्लास को चेलीसिरेटा, उसका इसलिए नाम रखा गया है। तो चेलीसिरी का क्या फंक्शन क्या होता है वो पूछा है। तो चेलीसिरीज आर यूज फॉर द ग्रास्पिंग एंड द क्रिसिंग द फूड, यानी उसको क्या है ग्रास्प करती हैं फूड को और हमारे क्रस करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं, क्या देखें चेलीसिरी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्पाइनरिस्ट एंड इन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है स्पाइनरेट्स होती हैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है,
तो स्पिनेरेट्स हमारे क्या काम करती हैं, ये हमारे यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द सिल्क। सिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कौन सी ग्लांड्स होती हैं जो किसका काम करती हैं, सिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, तो हमारा जो हमारे कौन सी ग्लांड्स होती हैं तो स्पिनेरेट्स होती हैं। ये हमारे क्या आर्थ्रोपोड्स होती हैं, ये सिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। इसके बाद में हमारा क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बुक लंग्स इन आर्थ्रोपोड्स। तो बुक लंग्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये हमारा क्या बुक लंग्स यूज पर गैस एक्सेशन, गैस एक्सचेंज यानी गैस एक्सचेंज मीन्स रेस्पायरेशन में काफ़ी क्या हेल्प करते हैं हमारे कौन से बुक लंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकी इन आर्थ्रोपोड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैकी ये यूज फॉर द गैस एक्सचेंज, यानी ट्रैकी और बुक लंग्स हमारे दोनों क्या है गैस एक्सचेंज में क्या हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स इन आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स में मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, तो इसको समझ रहे हैं, तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर यूज फॉर द एक्सक्रीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल हमारे किसके काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो यानी एक्सक्रेटरी ऑर्गन हमारे कौन से हैं, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंपाउंड आईज का क्या फंक्शन होता है इन आर्थ्रोपोड्स। तो इसका फंक्शन होता है, कंपाउंड आईज यूज फॉर द विजन के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको विजन हमारा कैसा, कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्या आर्थ्रोपोड्स का वो होगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सिंपल आई इन आर्थ्रोपोड्स। यानी आर्थ्रोपोड्स में दो प्रकार की आई पाई जाती हैं, एक हमारी क्या है कंपाउंड आई पाई जाती है और सिंपल आईज पाई जाती हैं। तो सिंपल आईज क्या कहते हैं, सिंपल आईज यूज फॉर द डिटेक्टिंग लाइट एंड डार्क, ठीक है। यानी लाइट को और अंधेरे को डिटेक्ट करने के लिए हमारे क्या सिंपल आईज हमारी यूज की जाती है, ठीक है। वह तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्पाइरिकल्स इन आर्थ्रोपोड्स। तो स्पाइरिकल्स है यूज फॉर द ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग के लिए हमारे क्या स्पाइरिकल्स हमारे यूज़ किए जाते हैं, और गैस एक्सचेंज के लिए हमारे क्या है ऊपर हमने बताया था वो हमारे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओवी पोस्टर इन आर्थ्रोपोड्स। तो ओवी पोस्टर मीन्स क्या होते हैं, तो इनको समझते हैं। तो द ओवी पोस्टर यूज फॉर द लेइंग एग्स। तो ये हमारे यूज़ किए जाते हैं एग एग देने के लिए, जो हमारे क्या है यूज़ किए जाते हैं, तो एग लेइंग्स हमारे क्या है ओवी पोस्टर हमारे यूज़ किए जाते हैं, जिनके प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे क्या है एग्स, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेडिपल्स का फंक्शन क्या होती है। तो पेडिपल्स का फंक्शन हमारा आर्थ्रोपोड्स में, तो पेडिपल्स आर यूज फॉर द सेंसेसिंग ग्रेस्पिंग एंड द मैनिपुलेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो भी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, वो क्या है उनका सेंसिंग करते हैं और हमारा ग्रेस्पिंग करते हैं, पकड़ते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, क्या आर्थ्रोपोड्स क्या है पेडिपल्स, पेडिपल्पस है, सॉरी पेडीपेल्पस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द यूरोपोड्स इन आर्थ्रोपोड्स। तो यूरोपोड्स का क्या फंक्शन, द यूरोपोड्स आर यूज फॉर द स्विमिंग एंड द स्टीयरिंग। यानी स्विमिंग और स्टीयरिंग के लिए हमारे क्या है किसका इसका कौन यूज होता है, तो हमारे यूरोपोड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सुमरेट्स एंड आर्थ्रोपोड। तो हमारा क्या है सुमरेट्स होते हैं सुमरेट्स। तो स्विमरेट्स आर यूज फॉर स्विमिंग एंड द रिप्रोडक्शन। यानी स्विमरेट्स हमारे क्या स्विमिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आर्थ्रोपोड्स से, वो हमारे लिया गया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टेलसन इन आर्थ्रोपोड्स। तो टेलसन का क्या फंक्शन होता है, तो टेलसन यूज फॉर द डिफेंस एंड स्टीयरिंग। यानी मैकेनिज्म डिफेंस यानी रक्षा करने के लिए किसका यूज करते हैं, ये अपने क्या है टेलसन का यूज़ करते हैं, ये कार क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रोस्टम इन आर्थ्रोपोड्स। तो रोस्टम का क्या फंक्शन होता है, तो रोस्टम इज यूज फॉर द फीडिंग एंड द डिफेंस के लिए हमारे क्या है टेलसम भी यूज किए जाते हैं और हमारे क्या है रोस्टम भी यूज किए जाते हैं फीडिंग के लिए यानी खाने के लिए और डिफेंस के लिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्रेपेस इन आर्थ्रोपोड्स। तो कैरापेस, तो कैरापेस यूज द प्रोडक्शन, कैरापेस हमारे क्या है प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है कैरापेस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सिफेलोथोरेक्स इन आर्थ्रोपोड्स। तो सिफेलोथोरेक्स का क्या फंक्शन होता है आर्थ्रोपोड्स का, उसके बारे में समझते हैं। सो सिफेलोथोरेक्स इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ द सपोर्ट को यूज करते हैं, सिफेलोथोरेक्स हमारा क्या है पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द चेली इन आर्थ्रोपोड। तो चेली हमारी शायद ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो चेली सीट हमारे यूज फॉर द है ग्रास्पिंग एंड द क्रिसिंग ऑफ द फूड को, इसको यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेडिंकल एंड आर्थ्रोपोड। यानी तो पेडिंकल का आर्थ्रोपोड्स में क्या हुआ, तो दे द पेडिंकल यूज फॉर अटैचिंग द हेड टू द बॉडी। यानी हेड हमारे बॉडी से अटैच के लिए जो हमारे क्या है पार्ट यूज होता है उसे क्या है पेडिंकल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा है 31st क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लैब्रम इन आर्थोपोड्स, यानी लैब्रम का आर्थोपोड्स में क्या फंक्शन होता है। लैब्रम यूज्ड फॉर द गाइडिंग फूड इन टू द माउथ, यानी ये माउथ में हेल्प करता है फाउड को पकड़ने में, ठीक है। तो लैब्रम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लैबियम इन आर्थोपोड्स, तो लैबियम यूज फॉर द मैनिपुलेटिंग एंड गाइडिंग, यानी लैब्रम और लैबियम दोनों हमारे क्या है, फूड को कैप्चरिंग एंड पकड़ने के लिए और गाइड करने के लिए हेल्प यूज की जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉक्सल ग्लैंड इन आर्थोपोड्स, तो कॉक्सल ग्लैंड से यूज फूड है एक्सक्रीशन के लिए, हमारा क्या है कॉक्सल ग्लैंड में पाई जाती है। तो एक्सक्रीशन में ऊपर हमने पढ़ा था क्या है, मेलपिगिन ट्यूबुल्स भी पाए जाते हैं और हमारे क्या है कॉक्सल ग्लैंड भी पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक। इसके बाद में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओमिटीडिया, तो आपने देखा तो ओमिटीडिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओमिटीडिया, तो ओमिटीडिया आर स्पोर्ट्स में क्या होता है, ओमिटीडिया यूज फॉर द विजन, आपने देखा इसमें दो प्रकार की आइज पाई जाती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं और हमारी क्या है सिंपल आइज होती हैं। तो जो हमारी कंपाउंड आइज होती हैं उनकी जो यूनिट होती है इकाई होती है वो हमारी क्या होती है ओमिटीडिया होती है, ठीक है, समझ गए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओबीगर्स इन आर्थोपोड्स, तो ओबीगर्स हमारे क्या होते हैं, ओबीगर्स यूज फॉर द कैरिंग एंड फर्टिलाइज एग, जो हमारी एग को फर्टिलाइज हुए हैं उनको क्या कैरी करने का हेल्प करते हैं, कौन हमारे क्या है ओबीगर्स, तो ओबीगर्स के बारे में समझ गए, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है आर्थोपोड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मैंडिबुलर ग्लैंड इन आर्थोपोड, तो ये हमारे क्या है मैंडिबुलर ग्लैंड क्या काम करती हैं, तो मैंडिबुलर ग्लैंड आर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द फेरोमोन्स, तो फेरोमोन्स हमारे क्या है किनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरोमोन यानी बिच ग्लैंड प्रोड्यूस द फेरोमोन्स, तो हमारा आंसर विल भी हमारा क्या होगा मैंडिबुलर ग्लैंड्स होगी, ठीक है। तो हमारे मैंडिबुलर ग्लैंड्स आपने देखा होगा तो इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें क्या है फेरोमोन सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से ये हमने क्या है ये इंसेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स आपने चींटी आंट देखी हो तो उसके पीछे पीछे एकदम चली जाती है, रो बनाकर चलती हैं, तो ये हमारे क्या फेरोमोन्स का सिक्रेशन करती हैं, उन्हीं को डिटेक्ट करती हैं, उन्हीं के पीछे पीछे क्या फॉलो करती हैं, इनकी वजह से रो में चलती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सब फेरेंजियल ग्लैंड इन द आर्थोपोड्स, तो ये सब फेरेंजियल ग्लैंड आर को यूज द प्रोड्यूसिंग द सलाइवा, यानी सलाइवा प्रोड्यूसिंग के लिए क्या सब फेरेंजियल ग्लैंड का यूज करते हैं, ठीक है, आर्थोपोड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 38 हमारा क्वेश्चन हमारा है वो हमारा कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सक्रेटरी पोर इन आर्थोपोड, यानी एक्सक्रेटरी पोर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो एक्सक्रेटरी पोर्स यूज फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ द बेस्ट, आप जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेटोसिस्ट इन आर्थोपोड्स, स्टेटोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है, स्टेटोसिस्ट यूज फॉर द डिटेक्टिंग द ग्रेविटी एंड ओरिएंटेशन, यानी ये ग्रेविटी को ये डिटेक्ट करते हैं और हमारे क्या काम करते हैं ओरिएंटेशन की ये पोजिशन को डिटेक्ट करते हैं, कौन स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गोनोपोर्स, तो इसमें क्या है गोनोपोर्स का क्या फंक्शन था, गोनोपोर्स यूज फॉर द एक्सक्रेटिंग बेस्ट एंड द हमारा क्या है रिप्रोड्यूसिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंसरी सीटी इन आर्थोपोर्स, यानी सेंसरी सीटी आर्थोपोर्स का क्या फंक्शन होता है वो समझते हैं, तो सेंसरी, ठीक है, तो इसका जो हमारा हो जाएगा द सेंसरी सीटी इज यूज फॉर द डिटेक्टिंग टच एंड वाइब्रेशन, सेंसरी सीटी, ठीक है, तो सीटी हमारे किसके लिए यूज होते हैं, यानी टच करने के और हमारा क्या है वाइब्रेशन को क्या है ये डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्राइडुलेशन, स्ट्राइडुलेशन का फंक्शन क्या होता है ऑर्गन से आर्थोपोडन, तो स्ट्राइडुलेशन ऑर्गन यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द साउंड, यानी जिस साउंड को प्रोड्यूस करती हैं तो स्ट्राइडुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वजह से इंसेक्ट क्या होते हैं आर्थोपोडन्स क्या साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा हमारा क्या है वो हमारा क्या है इसके बाद में है हमारा कहाँ तक हो गया था, स्ट्राइडुलेटरी ऑर्गन्स हो गए। इसके बाद में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेलेब्रिक ग्लैंड इन आर्थोपोड, यानी सेलेब्रिक ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, सेलेब्रिक ग्लैंड आर यूज द प्रोड्यूसिंग द एंजाइम टू डाइजेस्ट क्या है फूड को डाइजेस्ट करने में, इसमें एंजाइम होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फोरगट इन आर्थोपोड्स, तो फोरगट इज यूज फॉर द जगह स्टोरिंग एंड द ग्राइंडिंग फूड, फोरगट हमारा क्या होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का हमारा पार्ट होता है, ये हमारा क्या काम करता है फोरगट ये स्टोरिंग करता है और ग्राइंडिंग का फूड का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मिडगट इन आर्थोपोड्स, यानी फोरगट हो गया मिडगट हो गया, तो मिडगट यूज फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट,
ठीक है, तो हमारा जो मिडगट हो गया वो क्या डाइजेस्टिंग करते हैं और हमारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारा जो फोरगट होता है वो हमारा क्या स्टोरिंग का काम करता है, और हमारे उसमें क्या काम करता है स्टोरिंग के साथ साथ हमारा क्या है उसमें क्या है ग्राइंडिंग का भी फंक्शन करता है हमारा क्या है फोरगट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हिडगट, यानी इसके एलिमेंट्री कैनाल के तीन पार्ट्स होते हैं फोरगट मिडगट एंड ठीक है हिंडगट। तो हिंडगट का इसका क्या है यूज फॉर द री एब्जॉर्प्शन वाटर एंड एक्सक्रेटरी वेस्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का क्या है एब्जॉर्प्शन होता है यानी री एब्जॉर्प्शन वाटर होता है और एक्सक्रेटिंग वेस्टेज यहाँ पे क्या है एक्सक्रेशन होता है वेस्टेज का। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कार्डियक स्टमक इन आर्थोपोड्स, तो कार्डियक स्टोमेट्स यूज फॉर द स्टोरिंग एंड द ग्राइंडिंग फूड, यानी कार्डियक स्टोमक का काम हमारा यही होता है और हमारा फोरगट का भी काम हमारा यही होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पाइलोरिक स्टमक इन आर्थोपोड्स, तो आर्थोपोड्स के जो स्टमक होता है उसको क्या है पाइलोरिक स्टमक का क्या फंक्शन होता है, तो ये हमारा यूज हमारे किसके लिए यूज एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का हमारा किसका काम होता है यानी मिडगट का भी यही पार्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रेक्टम इन आर्थोपोड, तो रेक्टम यूज फॉर द स्टोरिंग एंड द एलिमिनेटिंग ऑफ द वेस्टेज, यानी ये फूड को स्टोर करता है और हमारा क्या है फूड को क्या है एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट हमारे क्या है 49 हमारे क्वेश्चन है आर्थोपोडस। तो आर्थोपोड्स के एनिमल्स के जो करेक्टर्स थे इनमें सारे के सारे मेंशन हो गए मुझे, और ऐसी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए ओवरऑल वॉच करने के लिए।